हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ अकबर खोजा और आज हमारे साथ हमारे खास गेस्ट हैं अमीज़ दामानिया फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। वो हमारे साथ इस्माइलिज्म टू इस्लाम की अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते थे। जब मेरी अमीज़ से पहली दफ़ा बात हुई थी तो ही शोड मी मोर ऑफ अ प्रेजेंटेशन, अ राइट अप। ही सेड अकबर भाई, आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट दिस, एंड एज एवरीबॉडी नोज़, यू नो, वी आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग अप you know our next generation of our dawah carriers. We want them to you know take the message on, लोगों को दावत दें, इस्माइलिज्म के बारे में बताएं, मुसलमानों को भी बताएं और इस्माइलियों को भी बताएं, इस्माइलियों को you know एक सेकंड थॉट दें कि क्या वो सही दीन फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो आज की स्टोरी अमीज़ के साथ है। अमीज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीज, मुझे आई लीव द स्टेज टू यू, मैं टोटली आप पे छोड़ूंगा। आप मुझे, आप शुरू वहाँ से करें कि आप किस तरह इस्माइलिज्म से इस्लाम की तरफ आए, और उसके बाद हम आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपके जो राइटअप है, विल गो ओवर दैट, और उसको हम एक एक करके देखेंगे कि इस्माइलिज्म में जो आपने जो जो पॉइंट्स थे जो आपको कन्विंसिंग जी लगे थे एंड यू आप फील करते हैं कि वो दूसरों के साथ शेयर करने चाहिए, हम उनके साथ हम उनको एक एक करके गोवर करेंगे। तो ऑल योर्स, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। जी थैंक यू सो मच अकबर भाई। सो मेरा जर्नी स्टार्ट ऐसे हुआ कि दिस वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रमज़ान दिस ईयर। तो मैं एवरी टाइम आई यूज टू हैव दिस क्वेश्चंस अबाउट कि व्हाट फेथ व्हाट दीन आई एम फॉलोइंग एक्चुअली, बिकॉज जैसे इस्माइलीज का कल्चर कंपैरेटिवली टू अदर मुस्लिम्स इट्स वेरी डिफरेंट, बहुत अलग है। बिकॉज पहली फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दे डोंट प्रे 5 टाइम नमाज, जो कि कंपलसरी है रसूल अल्लाह के टाइम से। खास मेराज की रात उसी के लिए हुई थी कि जब रसूल को अल्लाह ने रसूल को बोले थे कि यू हैव टू प्रे 5 टाइम नमाज विच इज़ कंपलसरी। एंड देन अल्लाह सेड टू हिम दैट आई हैव परफेक्टेड इस्लाम फॉर यू नाउ, मुकम्मल अभी यही रहेगा जैसा मैंने तुमको बताया है। एंड तो वो चीज़ फॉलो नहीं करते, ना ही 5 टाइम नमाज पढ़ते, ना हज का कोई नॉलेज है, लोग को पता है हज क्या है, लेकिन वो एम्फेसाइज नहीं करते, लोग को पुश नहीं करते कि हज करो, लाइफ में एक बार हज करो, उम्रा करने जाओ, क्योंकि वो एक मोटिव होना चाहिए ना लाइफ में। तो वो किसी कोई कोई भी इस्माइली को आप पूछोगे तो ही वॉन्ट से दैट आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू विजिट काबा शरीफ वंस इन माई लाइफ टाइम। ऑल दिल से लाइक के कभी भी बोलेंगे कि हॉलीडे पे कहाँ जाए, तो बोले इधर जाना है वहाँ जाना है, लेकिन कोई कभी बोलेगा नहीं कि चलो हम लोग वी ब्रदर्स और सिस्टर्स वी प्लान टू गो टू डू उम्रा और हज, कभी सही। कैसे। लेकिन इफ़ यू स्पीक टू एनी अदर मुस्लिम, एनी अदर एक्स इस्माइली, जो भी मुस्लिम है, उन लोग कभी बोलेंगे तो बोले कि नहीं यार हज या उम्रा तो हज तो करना ही है, लेकिन उससे पहले उम्रा कर ले, हज तो लाइफ में एक बार करना ही है। करना ही है। वो डिफरेंस एग्जैक्टली है, थिंकिंग बहुत अलग है, क्योंकि बचपन से कुछ सिखाया नहीं गया इसके बारे में, कुछ नॉलेज ही नहीं था मुझे भी। पहले छोटा था तब डैड मेरे को, क्योंकि हम लोग एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सब मुस्लिम, पूरे मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे वो एरिया में, तो मेरे डैड भी मस्जिद की चौल में रहते थे पहले, जब अच्छा जब वो अच्छा खुद यंग थे, तो मोस्टली उनके फ्रेंड्स सब मुस्लिम्स ही थे, तो वो खुद भी जाते थे नमाज पढ़ने जाते थे। बट वो एक रूटीन नहीं था कि मतलब वो पेरेंट्स से भी, एक छोटी एज में पेरेंट्स से भी जब पुश मिले ना तो ही बच्चा करता है आगे जाके, फिर बिकॉज बिल्कुल वो सही हैबिट बात। हैबिट मिल जाती है ना। जैसे इफ़ यू टेक अ 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, इफ़ यू टीच हिम एनी थिंग ही विल लर्न इमिडिएटली, क्योंकि सही वो बात है। लर्निंग प्रोसेस रहता है ना, वो टाइम पे तुम कुछ भी सिखाओ बच्चे को सीख जाएगा। फिर बड़ी बड़ी एज के बाद सही में तुम बात। पुश करो तो वो ईजी नहीं होता है, क्योंकि फिर नखरे और फिर ऐसा लेजीनेस बहुत हो जाती है फिर ऐसा। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है मीन्स, ये यू नो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारे कल्चर में, स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंटल कल्चर है, उसमें एक चीज जो है बड़ी प्रिवेलेंट है कि भाई, और आई थिंक उसका, मेरे ख्याल में उसका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, बहुत वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया है, इस वजह से हमारे कल्चर में वो चीज़ सराहियत कर गई है। जी वरना हमारे कल्चर में कभी इतना नहीं होता था कि माँ बाप बच्चों को कुछ भी ना बोलें। हमारे यहाँ जो है वो यू नो जजा और सजा का वही हिसाब माँ बाप इम्प्लीमेंट करते हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला ने इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि और वही जजा सजा का सिस्टम हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना। जी कोई एम्प्लॉय को ऐसा
नहीं करते कि भाई आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, बुरा काम मिलेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, अल्लाह दूसरे स्पेक्ट्रम की दूसरी साइड पे अल्लाह सुभान व तआला जो है वो भी यू नो जो जजा है अच्छे अमाल की वो जन्नत है, ठीक है, उसका रिवॉर्ड है, और जो बुरे अमाल है उसका सिला जो है जहन्नुम है। ठीक है, तो राइट एंड रॉन्ग बोथ आर रिवॉर्डेड एंड पनिश्ड रिस्पेक्टिवली। लेकिन जब बच्चों की तरफ से बात आती है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यू नो कि बड़ा इम्पैक्ट होता है माँ बाप के पुश करने का। और अब एक जो सोच आ गई है माशरे में आ गई है कि नहीं नहीं बच्चों को कुछ नहीं बोले, खुद ही पढ़ेगा नमाज, ये बच्ची खुद ही हिजाब करेगी। तो यू नो ये आपकी जो बात है जो अमीज आप कह रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए जो सुन रहे हैं कि ये खुद ही नहीं होता, माँ बाप का एक इन्फ्लुएंस होता है, माँ बाप पुश करते हैं और उसी वजह से बच्चे जो होल्ड होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दे ट्राइड, मेरे डैड बहुत ट्राई किए कि हम इस जा मदरसा जा, अरबिक सीख, नमाज सीख सब। मैं हम लोग वैसे वो सोसाइटी में थे ना कि अभी इस्माइलीज में लोग दे डोंट इन्फ्लुएंस किड्स टू लर्न नमाज एंड रीड कुरान, अरबिक भी नहीं सिखाते, और जो दुआ पढ़ते हैं खाली वो जो अरबिक में है तो वो बेसिक अल्फाबेट उसको क्या बोलते हैं तजवीद बेसिक जो अलीफ बा वो ही सिर्फ उतना सिखा लेते दैट्स इट, एंड उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताते क्योंकि व्हेन यू मिथ स्टार्ट करते हैं अपना जब ये अरबिक क्लासेस लेने के तो ऑब्वियसली उसकी इम्पोर्टेंस भी बताते हैं कि इसका ये मतलब क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए होता है, ये कोई चीज़ में ये पंक्चुएशन जैसे ग्रामर है ना ये, और ये उसमें बताते कि अपन मदरसा में जाते तो डिटेल में बताते कि तुम ये इस चीज़ के लिए यूज होता है, ये ऐसा होता है, इतने टाइम पे तुमको वो वर्ड को स्ट्रेच करना है, मतलब उतना बताते हैं लेकिन उसकी मान इम्पोर्टेंस नहीं बताते उसमें भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो खाली वैसा सिखा दिए एंड देन दुआ सिखा दिए दैट्स इट, बट इफ यू आस्क मेनी ऑफ द इस्माइलीज पर्सनली माई सेल्फ मेरे को भी पता नहीं कि दुआ का मीनिंग क्या था। मोस्टली आप कोई भी इस्माइली को पूछो even I didn't know what the actual meaning of dua was, what I was reciting. I was just reciting ki mujhe sikhaya tha, that's it, I have to maine by heart kar liya aur main every time fir recite karta tha, that's it. But fir fir jab main khud ke sab log mere dad bhi bolte the hum is dua padhte hai to tu thoda meaning to samajh uska kya hai ki uske piche kya hai, tu aisi thodi ki kuch bhi bole to pad lene ka apne ko. To fir main aise hi socha ki chalo dekhte hai kya पढ़ते है, क्या लिखा है, क्या देखते हैं इसमें। फिर जैसे मैंने भी स्क्रीन पे मैंने रखा हूँ मैंने सामने जी, आपको दिख रहा है ना? बिल्कुल, एक सेकंड मैं आपकी स्क्रीन शेयर शुरू कर दूं और यस आई थिंक यू आर ऑन स्क्रीन। यस, तो ये जैसे मैंने फर्स्ट टाइटल ही रखा हूँ मैंने इस्माइली दुआ, और फर्स्ट तो वही है जो सूरह फातिहा का ही है। ये वो इस्माइली दुआ जो इस्माइली जमातों में पढ़ते हैं जी, हां ये इस्माइली दुआ, ये वो दुआ है जो इस्माइलियों ने सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो मुस्लिम सलाह है उसकी जगह। तो उसमें आगे और पीछे तो आपको मिलेगी सूरह, हाँ सूरह फातिहा मिलेगी और आखिर में आपको सूरह इखलास भी मिलेगी, सूरह इखलास मिलेगी, सूरह निसा है, सूरह यासीन है, लेकिन इतना वेर्ड है ना इसमें ये भी। चलो ये सेकंड पार्ट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल लदीना आमनू عطي الله حياتي ورسول واول الامر منكم وكل شيء اشهنا في ما من بين. According to the Islamic translation of the following verse, O ye who believe, obey Allah and obey the apostle and holders of authority from amongst you. This is Surah An-Nisa ayat number 4, Surah number 4 ayat number 59. Aur ye jo part hai ye start wala jo Surah An-Nisa ayat number 4 Surah number 4 ayat number 59 ye half hai, aur fir bilkul وَأُولِلْ أَمْرِ مِنْكُمْ وَكُلَّ شَيْنْ عَشْوِنْ عَفِمْ مَامِ مُبِينَ نَا اُلُوں نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 12 سے لیے، پر اُلُوں کا جبکہ یہ ان نحنون ہی سے سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 12 سورہ یاسین کی کافی بڑی مطلب تین چار لائن کی آیت ہے وہ بالکل، اور اس میں سے اپنا یعنی کہ وہ آرگیومنٹ وچ وہ پارٹ وچ سوٹس دیئر آرگیومنٹ، ٹھیک ہے نا، وہ حصہ جو ان کی اپنی دلیل کی جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے وہ والا حصہ دعا میں ڈال دیا انہوں نے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی جی، بٹ یہ لوگ اسماعیلی انٹرپریٹیشن اف دس ورس اف دی قران از اینڈ وی ہیو ویسٹڈ دی نالج اینڈ اتھارٹی اف ایوری تھنگ ان دی مینیفیسٹ امام، جبکہ امام کے بارے میں پورے قران میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہے.
अल्लाह ने अहले बैत मेंशन किए, लेकिन अल्लाह ने कभी इमाम को मेंशन नहीं किया कुरान के अंदर। यहाँ पे वही जो एक्चुअल यहाँ पे ट्रांसलेशन फ्रॉम द होली कुरान जो एक्चुअल इसमें है, अभी सूरत निसा में जो ये या अय्युहल लदीना आमनू का है वो, ओ बिलीवर्स ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड दोज इन अथॉरिटी अमंग्स यू, शुड यू डिसएग्री ऑन एनीथिंग देन रिफर इट टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, इफ़ यू ट्रूली बिलीव इन अल्लाह इन द लास्ट डे दिस इज द बेस्ट एंड फेयरस्ट रेजोल्यूशन। अभी ये तो कुरान का ट्रांसलेशन है, ये कुरान में दिया हुआ है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, बट ये लोग इस्माइली के तरीके में ये लोग इतना ही सिर्फ ये हाफ, वेयर इज द रेस्ट ऑफ इट देन? एग्जैक्टली ये सब ये कहा है, चलो फर्स्ट लाइन ही लिए ने, ओ बिलीवर्स ओबे अल्लाह एंड द मैसेंजर दोज इन अथॉरिटी अमंग्स यू, दैट्स इट। व्हाट अबाउट दिस, शुड यू डिसएग्री ऑन एनीथिंग देन रिफर टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, ये सब कहा गया? एग्जैक्टली, बिकॉज़ यू कैनॉट ईट अप, हां यू कैनॉट ईट अप द आयत एंड यू कैनॉट, यू हैव नो राइट टू ब्रेक अप द ब्रेक द आयत इनटू टू पार्ट्स एंड जॉइन एंड मर्ज इनटू विद सम अदर आयत, बिकॉज़ इट डजंट मेक एनी सेंस। कि अभी आप समझो दो पैराग्राफ दो आंसर लेते दो डिफरेंट टॉपिक, समझो आप एक हार्ट के बारे में आंसर लिख रहे हो और एक ब्रेन के बारे में आंसर लिख रहे हो, आप एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, तो अभी वो दोनों को मिक्स करके तो नहीं लिखोगे, तो वो टीचर भी बोलेगा क्या लिख रहा है तू, जब हार्ट की बात की तो हार्ट की बात करना और ब्रेन की तो ब्रेन की अलग से बात करना, दोनों मिक्स क्यों कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये जो पूरी पूरी वर्स है इसमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, इट स्टार्ट्स विद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाहा व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूलि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला। और तो इसमें अल्लाह ताला साफ साफ कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई डाउट है, कोई तनाज़ा है, कोई डिस्प्यूट है, ठीक है ना, क्योंकि बात के तनाज़ और डिस्प्यूट कहाँ होगा अगर इफ़ एवरीबडी इज़ ओबेइंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला एंड द प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें तो नहीं होगा। तो इसलिए जो आखिर में उलिल अम्रि मिनकुम है इस पे अप्लाई करता है फ़ा इन तनाज़अतुम, राइट? सो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, राइट? एंड देन वा उलिल अम्रि मिनकुम फ़ा इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, किसी चीज़ में भी कोई तनाज़ हो, फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ रेफर करो, क्योंकि उलिल अम्र की तरफ क्यों ना करो, बिकॉज ही इज़ नॉट अ डिवाइन अथॉरिटी। सो दैट्स वॉट यू मीन कि कुरान में, जैसे कुरान में वैसे जैसे इमाम, सुल्तान, हादी, यू नो, ये तमाम इम्प्लिकेशंस आई हैं कुरान में, लेकिन कहीं भी वो जो जो भी इमाम का इमाम द टाइम कुरान, वो कॉन्सेप्ट नहीं है कहीं भी। एग्जैक्टली, कहीं ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ डिवाइनली अपॉइंटेड अथॉरिटी, और दूसरा है कि ही नेवर टेक्स प्रेसिडेंस ओवर, मतलब उसको कभी भी उनका हुक्म जो है फौकियत नहीं ले जाएगा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरामीन पर। जबकि एग्जैक्टली यही मसला है, ये आपने बिल्कुल सही इशू आइडेंटिफाई किया है कि इस्माइली जो है वो यही करते हैं कि चूंकि भाई इमाम है, इमाम ने कह दिया कि नमाज की जगह दुआ पढ़ो तो दुआ पढ़ो, बट द प्रॉब्लम है इसके ये जो आयत इस्माइली कुरान की आयत जो पूरी पढ़ते हैं, आई मीन आधी पढ़ते हैं, वो अगर पूरी पढ़ें तो उन्हें साफ से पता लग जाएगा। ये यानी कि मैं कहता हूँ कि कोई भी इस्माइली कोई भी इस्माइली अगर सिर्फ कुरान उठा के देख ले और अपनी दुआ का कंपेरिजन कर ले कुरान के साथ, बस वहीं से लाइट जल जाएगी उसकी। yes. और उसके बाद इंशाल्लाह ही विल कम टू द कंक्लूजन दैट यू केम टू इंशाल्लाह। और ये जो सूरह यासीन आयत नंबर 36 आयत नंबर 12 का जो लास्ट पार्ट है, एंड इसमें लिखा ये वो वउलिल अम्र मिनकुम वकुलशन अश्वनाफी मुमबिन, तो इसमें ये लोग बोलते हैं एंड वी हैव वेस्टेड द नॉलेज एंड अथॉरिटी ऑफ एवरीथिंग इन द मैनिफेस्ट इमाम, दिस इज द इस्माइली इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑफ दिस वर्स आयत। और actual verse from the Quran ka translation hai, it is certainly we who resurrect the dead and write what they send forth and what they have leave behind, everything is listed by us in a perfect record, clearly likha hai ki tum log ko hum murde se wapas zinda karenge, and then jo bhi tumne likha hai humne uska record rakha hai, every action is being recorded, like hum baat bhi kar rahe to uska bhi action record ho raha hai ki ye hum is baat kar rahe hai Akbar Khoja se abhi। एग्जैक्ट, नुक्तबू का लफ्ज है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नुक्तबू मा कद्दमू, यानी हम लिखते जाते हैं, नुक्तबू जो कतब से निकला है, मा कद्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। अब सोचे ना कि वो लिखी जा रही है, ठीक है ना, कोई चीज लिखी जा रही है, तो वो तमाम चीजें किस में समो दी है, किसी मतलब किसी रिकॉर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, किसी रजिस्टर की बात हो रही है, किसी ह्यूमन की बात तो हो ही नहीं रही। इमाम मुबीन का पता है, एक और वो इमाम मुबीन का लोग ने
ये जो इमाम मुबीन इमाम वर्ड आ गया ना, उसको लोग ने डाल दिया कि मैनिफेस्ट इमाम है ये। और ज़ाहिर है मुझे तो यही लगता है सर। Exactly. और बाकी आयत इनके आर्गुमेंट को सूट कर नहीं रही थी, तो बाकी आयत खा हाँ, गई यार, ये हाँ, हमको अच्छा पूरी आयत लगा का भी है। मसला हो हाँ, जाएगा। हाँ, तो ये सूट नहीं कर रही, तो या। यहाँ से ये उठाते हैं और 36:12 से ये उठाते हैं और 459 से वो उठाते हैं, जिस तरह विली में अली रही मुला कहते थे कि दीज आर स्कॉच टेप वर्सेस फ्रॉम द कुरान हाँ इन द इस्माइली दुआ कुरान। लोगों को पता नहीं, कोई कोई डर नहीं है कोई चीज करने को। या अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हमारी तो यही कोशिश है ना, एंड इंशाल्लाह दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह गुड पॉइंट जबरदस्त वी जबरदस्त। जस्ट हैव टू लीव देम इन अ स्टेट ऑफ लाइक सर्टेन अच्छा तो क्वेश्चंस। ये बताएं कि लेट्स ये चीजें जो हैं वो जब हमारे दूसरे इस्माइली सुन रहे होते हैं तो एक इंटरेस्टिंग बात जो वो सुनना चाहते हैं आपसे, फॉर एग्जांपल वो ये है कि व्हेन डिड यू कम अक्रॉस, जब आपने खोला तो जैसे मैंने कहा ना कोई भी कुरान खोले, तो आपने कब ये कुरान खोला और कंपैरिजन किया कि यार कुरान में तो ये है दुआ में तो यही क्या चक्कर है, ये कब हुआ? सो दिस ऑल स्टार्टेड कि लाइक मैं ये रमज़ान के पहले मैं मेरे डैड को बोलता था कि चलो अपन जुम्मा की नमाज़ पढ़ने जाते हैं एवरी फ्राइडे, यहीं पे हमारे पास में मस्जिद है मस्जिद अल बुखारी, तो हम लोग चलो कि चलो जाते हैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे एवरी फ्राइडे जाएंगे। तो क्योंकि हम लोग जहाँ पे हम लोग प्रीवियसली हम लोग जॉब करते थे, मैं मेरे डैड साथ में जॉब करते थे, तो वहाँ पे हम लोग सब लोग फ्राइडे को जमात बैठती थी और सब नमाज़ पढ़ते थे एक जगह पे। समझ तो फिर मेरे को कहा चलो जाते हैं ना अभी यहाँ पे पढ़ते हैं, तो अगर अपन फ्री है हॉलीडे हो तो अपन जब मस्जिद में जाके पढ़े तो ज़्यादा अपने को सवाब मिलेगा। तो जाते थे जाते थे, लेकिन नमाज़ पढ़ने नहीं आती थी मेरे को, मतलब इस्माइली जो ईद नमाज है वो सीखा था मैंने, मैंने एक बार रिसाइट भी किया है जमात खाने में, अच्छा। तो बेसिक मालूम था कि सूरह फातिहा पढ़ना है, तकबीर देनी है, सूरह फातिहा नियत करनी है, सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद दूसरी आयत पढ़नी है, फिर रुकू सुजूद ये सब सब ये सब करने में पता था, पर मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे नहीं पता थी। एंड देन आई वाज कि मुझे बहुत ऐसा लग रहा था, आई वाज कि बहुत वियर्ड लग रहा है क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है ना करने को, बट धीरे धीरे मैं गया, मुझे अच्छा लगने लगा, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग इट माई सेल्फ। और मैंने फिर एक वो किया था, मैंने प्रॉमिस लिया था कि मैं इंशाल्लाह मैं रमज़ान से एवरी डे मैं नमाज़ पढ़ूंगा और मैं कुरान पढ़ने का भी स्टार्ट करूंगा, और यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग रहता है जैसे रमज़ान स्टार्ट, उसके पहले भी मैं लर्न करने का ट्राई कर ही रहा था, और जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता चलो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग ढूंढ लिया था कि हाउ टू प्रे सला, तो मैं वो वीडियो अच्छा देख देख के फॉलो करता था, और फिर वही बाय हार्ट हो गई मेरे को क्योंकि मैं एवरी डे वही सुनता था और मैं वही करता था, माशाल्लाह उस पर से माशाल्लाह मेरे को हो गया। और फिर मेरे को पूरी नमाज मैंने बाय हार्ट कर लिया, मेरे पास बुक भी थी इसमें लिखा था, तो मैंने सब बाय हार्ट किया समझा फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड देन बात कुरान की, जब मैंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया मैंने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लिया कुरान का, बिकॉज इजी एक्सेसिबल है तो कहीं भी जाओ जैसे भी मेरे को टाइम मिले, तो मैं पढ़ने लगा और उसमें सूरह बकरा जैसी सेकंड चैप्टर में पहुंचा ना आई स्टार्टेड क्राइंग, बिकॉज इतना इतने सुभान स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है उसमें लिखा हुआ है अल्लाह ने, कि उसमें फिरौन के बारे में बताया है, फिर बनी इसराइल के बारे में बताया है कि किस तरह से वो लोग नाफरमानी करते थे, बछड़े को माबूद बना दिए थे उन्होंने, ऐसा ऐसा किए थे ये करें, तो ऐसी मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैंने कुरान को ऐसा नहीं लिया कि रूल्स है पनिशमेंट है इसके लिए तुमको पढ़ना है, नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान अपने लिए इसलिए भेजा कि हमारी लाइफ ईजीली अपन गुजार सके, और वो ऑर्गेनाइज्ड वे लिविंग लिविंग अ लाइफ इन ऑर्गेनाइज्ड वे, ऐसा है बहुत लोग कुरान का ऐसा थे कि नहीं, उसमें कितने रूल्स है डराते हैं इसमें कि ऐसा करेंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला एवरी टाइम बोलते ये कुरान मैंने तुम्हारे खुशखबरी के लिए भेजी है और तुमको डराने के लिए भेजी है, मतलब उसमें दोनों है, फॉलो रसूल अल्लाह करोगे को तो भी हजरत तुमको ये बख्शेगा वो रिवॉर्ड मिलेगा डरेगा। जन्नत बिल्कुल जन्नत फिरदौस का, क्लियरली बिल्कुल बता दिए कि ऐसा तुमको ये चीज़ फॉलो करनी है जो तुमको राइट पार्ट पे ले जाएगी, रॉन्ग पार्ट पे ले जाओगे ऑब्वियसली तो तुम जहन्नुम में जाने ही वाले हो, जहन्नुम में तो जाना सबको ही है एक एक गलती का, फिर वो अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह की मर्जी हो कभी किसको माफ भी कर दे तो उनके तो इंशाल्लाह अच्छे है। पर वैसे ही फिर मैं पढ़ने लगा, अभी फिलहाल मैं सूरत अल हिजर पे हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने मिल रहा माशाल्लाह है, जब कुछ चीज़ इंग्लिश में नहीं समझ आती थी तो मैं, क्योंकि इंग्लिश में भी थोड़े वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट है समझने के लिए, तो मैंने फिर उर्दू में भी सुनने का
स्टार्ट किया, तो अभी उर्दू में मैं सूरत अल-हिज्र पे हूँ मैं, जूज 18 पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंग्लिश में वैसे सही इंटरनेशनल की जरा इजी ट्रांसलेशन है, मुस्तफा खताब की भी इजी ट्रांसलेशन है, तो दीज आर रियली रियली इफेक्टिव। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, तो उन्होंने जो है सूरह बकरा जो है वो 10 साल में हिफ्ज की। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, तो उनसे पूछा गया कि आपको इतना लंबा अरसा क्यों लगा, तो उन्होंने कहा मैं जब भी कोई आयत पढ़ता था, 10 साल शायद मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, लेकिन इट वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, तो जब रीज़न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह ये थी कि मैं जब भी कुरान की कोई आयत पढ़ता था, जब तक मैं ये इंश्योर नहीं कर लेता था कि मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, उसको ज़िंदगी में अपने इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और जब तक मुझे उस पर सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाती थी ज़रा उनका, क्योंकि देखें मोमिन जो है वो हमेशा ही सोचता है कि यार अगर अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत नसीब करनी है तो मेरे अमाल की वजह से नहीं, अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी की वजह से, ठीक है। तो ही सेड के लोगों ने कहा यार, लोग ही कहेंगे मतलब सुनने, जिसकी इस हदीस की अगर आप वो पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इस अपने आथार की, तो उसमें उसकी तफसीर में एक्सप्लेनेशन में यही लिखते हैं, लिखा जाता है कि ये दिस इज अनइमेजिनेबल कि एक सहाबी जो है वो 10 साल तक क्या एक मतलब एक पूरी सूरा भी इंप्लीमेंट नहीं कर सके अपनी लाइफ में। बात तो बात ये नहीं, बात ये क्योंकि अपना सेटिस्फैक्शन लेवल अचीव नहीं होता था कि हाँ यार मैंने, इट टुक हिम 10 इयर्स टू गेट दैट कन्विक्शन कि ये मैंने के लिए, और एक एक आयत उस वक्त मेमोराइज करके अगली आयत पे कहता था, मैं उस वक्त जाता था जब तक मुझे इंश्योर नहीं कर लेता था मैं कि ये मैंने अमल कर ली है, ना सिर्फ याद कर ली है बल्कि अमल कर ली है, इंप्लीमेंट की अपनी जिंदगी में, और फिर अगली आयत पे जाते थे। तो माशाल्लाह व्हाट यू आर डूइंग इज सुभानअल्लाह, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ये हमारे पास मिसाल है जिन्हें हमें यू नो अपहोल्ड करना है, जिन्हें हमें फॉलो करना है, कि कुरान की हर हर चीज को, जब कुछ लोग कुरान बस खोलते हैं और ख़त्म बस करना उनका मकसद होता है, और है वो जिस तरह रहे होते हैं तर्ज ज़िंदगी होता है वो टोटली अहकाम के अगेंस्ट होता है, अरबी पढ़ रहे होते हैं मतलब समझ नहीं पा रहे होते हैं, ये मकसद नहीं कुरान का। मकसद बेशक कुरान की रजिस्ट्रेशन का रिवॉर्ड है, लेकिन उसमें ये अजम्पशन करना कि यार समझ में ना आए तो भी है, तो दिस इज़ अ स्ट्रेच। और आप बिल्कुल सही करें, कुरान शुड ऑल हमेशा कुरान जो है वो ट्रांसलेशन मीनिंग जो जबान आपकी अपनी है उससे करीब तरीन जबान में, जिससे आप फैमिलियर हो जबान में, उस जबान में करना बहुत जरूरी है। मैं अल्लाह रिवॉर्ड यू फॉर दैट, बहुत सही कर रहे हैं आप। खैर आप बात कर रहे थे 36:12 की बात की हमने, फिर हमने ये 4:59 और 36:12 दोनों की बात की, अगला आप 5 पिलर्स के बारे में कुछ कहना चाह रहे थे। जी सो So these 5 pillars of Islam, अभी मुझे पहले मुझे भी खुद को पता नहीं था कि 5 pillars of Islam क्या होते हैं। ये शर्म की बात है कि एक मुस्लिम होके तुमको बेसिक चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है कि क्या है। यानी जब आप स्माइली थे तब ना? जी हाँ एक्जेक्टली एक्जेक्टली। तो एक स्माइली हो even though if you're Ismaili but you are still taking the name of Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, but you still You must know about the basic things of Islam. So जैसे 5 pillars of Islam, if you तुम अगर तुम्हारे 5 pillars के बारे में पता नहीं, तुम उसको follow नहीं करते हो, तो we are hopeless, कुछ नहीं कर सकते हम उन life में. There's no point of doing everything what we do if we don't follow these 5 pillars of Islam. Clearly simple है, shahada है, that the belief is there is no God but God and Muhammad is a messenger of Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. That's the basic thing we have to believe. If we believe in that La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bas sahi kitna simple hai, wahi apne ko follow karna hai aur apne ko kisi aur cheez ko associate karna hi nahi Allah Subhanahu Taala se. Kyunki Ismailis mein ye log shahad kalima padte hain, log ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah wa ashhadu an aliyun amirul mu'minin aliyullah. In this last part, mein, last mein, mein, ki they associate Ali with Allah. They call Ali Allah. But like, ye kya samajh mein nahi aata, ye kaise? Puri life mein, Hazrat Ali radhi Allahu anhu, unki puri life mein unhone kabhi bhi nahi bole ke main Allah hu, mujhse dua mango to tumhari dua kabul hogi and all that. Aisa kabhi bhi nahi bole. Main koi aisi koi main quote padh raha tha to mereko Hazrat Ali radhi Allahu anhu ki ek unhone ek मैसेज उनका आया था
कि सुजूद में सुजूद के बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते हैं कि जब भी तुमको कोई तकलीफ या तुम्हें कोई चीज़ की भी ज़रूरत है तो तुम सुजूद में जाओ, सुजूद में गिरो, अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि अल्लाह ही है जो तुम्हारी सब चीज़ पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, इंसान जो है सबसे ज्यादा करीब अल्लाह ताला के सजदे की हालत वो में बोलते होता है। ना कि वो कौन सी वो नर्व नर्व है, वो गैलरी कौन सी बोले, शरक से भी करीब है अल्लाह ताला, हाँ उससे भी इतने करीब है इंसान अपने से अल्लाह ताला। सुभानअल्लाह। तो व्हाट्स द क्या शर्म है, सीधा मांगो अल्लाह से, वो तो अल्लाह तो खुश होता है। अल्लाह तो बोलते ना कुरान शरीफ में, सही बोले कि मैं तो खुश हो जाता हूँ जब मेरा बंदा मुझसे आके गुजारिश करता है कोई चीज की, मुझसे मदद मांगने का करता है, तो अल्लाह बहुत खुश हो जाते हैं अपने से। बेशक बेशक, इसमें सलात है, जकात भरना, जकात करना होता है, फास्टिंग एंड पिलग्रिमेज हज। भाई सलात का 700 times मेंशन किया है कुरान के अंदर। दैट्स द ह्यूज कमांड्स टू ऑफर इंफाक सलाह आर अल्लाह सेवन ताला। हंड्रेड टाइम्स मेंशन इन द कुरान। द वर्ड सलाह अपीयर 67 times इन द कुरान। द सलाह एंड द जकात 30 कम सलाह एंड जकात 32 times कम टुगेदर इन द कुरान। कितनी बार मेंशन करने में आया है कि तुमको सलात पढ़नी है, 5 times नमाज पढ़ो और साथ में तुम वो प्रिस्क्राइब अल्म्स पे करो, सलात पढ़ो और साथ में जकात दो, सलात पढ़ो जकात दो, सलात पढ़ो जकात। मोस्टली कितनी सारी आयत है जो एकदम मैचिंग आयत है, सीधे से क्लियरली बोलते तुम नमाज पढ़ो और साथ में तुम जकात भी दिया करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कितने को बोलते हैं जब, तो इस्माइल बोलते हैं कि कुरान के अंदर तो 5 times मेंशन किया हुआ ही नहीं है। मेंशन किया हुआ है, अलग अलग आयत में मेंशन किया है, किसमें फजर का बताया, किसमें असर बताया, किसमें ईशा बताया, किसमें जोर और मगरिब बताया, या इफ आई एम रॉन्ग, मतलब ऐसे बताया गया है, मतलब पीसीस में बताया गया है, लेकिन तुम पीसीस को मर्ज करो उसको तो इट इज 5 times। बिल्कुल, एक मैंने इन्फोग्राफिक बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ पर 5 नमाजों का जिक्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि पूरा इस्लाम जो है कुरान में है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि कुरान खुद कहता है कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी तरफ बैठा है जो तुम्हें कुरान खोल खोल कर बताता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और उसी एक्सप्लेनेशन का नाम जो है हदीस है, और उसी हदीस का जो जो मकाम है वो कुरान ने डिसाइड करके कुरान में बता दिया कि दैट्स व्हाट यू नीड टू रेफर टू। और उसमें क्लियरली हमें पता है कि कितनी नमाजें हैं, हज़रत अली ने भी इतनी नमाजें ही पढ़ी थी, कोई ऐसा नहीं कि हज़रत अली जो है उनको अच्छा मतलब सबसे बड़ी जो अहमकाना बात है, जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कि भाई हमें तो पता है कि कुरान में जो है वो 5 नमाज, इस्माइली जो कहते हैं कि हमें तो पता है कि कुरान में 5 नमाजों का जिक्र नहीं है और हम जो है 3 वक्त की दुआ पढ़ते हैं, तो हजरत अली फिर क्यों 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे थे? वही तो समझ में नहीं आता कि जब तुम बोलते कि तुम हजरत अली को फॉलो करते हो, यू फॉलो द प्रोजेनी ऑफ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एंड प्रोफेसर हसन, और तो चलो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो 5 times नमाज पढ़ते थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो खुद भी नमाज पढ़ते थे 5 times, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, सब लोग पढ़ते थे 5 times नमाज। तो तुमको ऐसा तो क्या चेंज आ गया कि भाई तुमको 3 times की दुआ पढ़नी है लेकिन तुमको हजरत अली को भी फॉलो करना है रज़ी अल्लाह अन्हु को? अगर इमाम का मतलब क्या होता है कि तुम इमाम को एक वो आइडल हो जाता है, एक लीडर होता है कि वो जिस तरह जैसा बोलता है उसको फॉलो करना होता है, लेकिन अभी तुम्हारे जो फर्स्ट ही लीडर है इमाम हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम उनकी ही बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो तुम लोग किस पॉइंट पे तुम लोग बोल रहे हैं कि हम हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फॉलो करते हैं? सुभानअल्लाह, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक जो प्रेजेंट करीम आगा खान जो इमाम है, मैंने उनके मुंह से कभी भी कुरान की आयत, उसका ट्रांसलेशन, उनकी तजवीद या कोई भी रसूल सल्लम की हदीस मैंने उनके मुंह से कभी भी नहीं सुनी, या कोई हजरत अली, चलो वो नहीं बताया लेकिन एटलीस्ट हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके बारे में तो कुछ बताया होते कि उनकी कुछ स्टोरी या उनके कुछ लाइफ एक्सपीरियंस या इमाम हसन के, इमाम हुसैन के लाइफ एक्सपीरियंस रज़ी अल्लाह अन्हु के, कुछ नहीं, नथिंग। रमजान किसके लिए होता है, रमजान का पर्पस क्या है, या यू हैव टू प्रे, मुस्लिम डू फास्टिंग फॉर 30 days, सो वी हैव टू डू
तो बताओ ना और डीपली बताओ ना, एक एक लेटर, एक लेटर में एक खाली एक पेज पढ़ने से थोड़ी सबको समझ में आ जाना ले क्या है। हाँ, जो तालिका आ जाता है कि हाँ जो बड़ा जेनरिक सा होता है, और मुझे, मेरे तो इवन डाउट्स हैं इस पे, मुझे शक है कि जो हर साल जब मैं जब भी जमात खाने बैठा होता तो जो क्या होता है, जब तालिका हर ओकेजन जो तालिका आता है ना, जी वो एग्जैक्टली सेम वर्ड्स का होता था कि माय यस डियर, एवरी टाइम सेम, एग्जैक्टली सेम। वो तो एग्जैक्टली द सेम इवन एट दैट टाइम कि यार ये जो है ना इमाम के पास टाइम वाइम कहाँ होता होगा, ये लोग खुद ही अपनी तरफ से ये, बना के, हाँ इन्होंने यस अथॉरिटी दी होगी कि तुम लोग एग्जैक्टली यार जो भी वो इतने छोटू बोले, यार तुम जो भी है वो लिख दो, काइंड ऑफ थिंग, हाँ राइट? वो इतने बोले है ना, खाली डेट चेंज कर देंगे, ओकेजन चेंज कर देंगे एंड दैट्स इट। That's it. और वो चेंज कर दिया, एक साल ही करना पड़ेगा ना, हर हाँ अगले साल रीसेट एक हो साल जाएगा। या तो फिर नेक्स्ट या 6 महीने में या कभी उसमें ही वही चेंज नहीं, करनी मैं है कह खाली रहा हूँ डेट। जैसे जैसे एक एक पैटर्न आ गया, वो 11 जुलाई पे पढ़ दिया, वही 23 मार्च को हाँ पढ़ ट्वेंटी दिया, ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को कोई थर्टीन जो है दिसंबर को वही वो पढ़ लिया। 13, तीन तीन उसके फ्लेवर्स वेरिएंट्स तैयार हो गए। अब हाँ अगले साल इन तीनों को मॉडिफाई भी नहीं करना, इन तीनों की सिर्फ डेट चेंज करनी है बस। वो मुझे याद है तालिका इस पैटर्न पे होता था, उस वक्त शायद कोई अकबर अली कोई होते थे, और वो शायद वहाँ के वजीर, वजीर के ग्रेड्स होते हैं ना कि कोई वजीर है, कोई हाँ हुजूर मुखी है, तो कोई क्या या है और क्या है। सुभान अल्लाह, पैसे के हिसाब से होता है, जो जितना बड़ा डोनर होता है वो उतना ज्यादा उसका टाइटल होता है। या तो वहाँ तो तालिके का पैटर्न ये होता था कि माय डियर वजीर अकबर अली, आई हैव रिसीव योर लेटर ऑफ, फिर कोई 10 दिन पुरानी हाँ डेट हाँ होती थी, एंड आई एम प्लीज टू नो दैट, कोई भी जेनरिक स्टेटमेंट, ठीक है ना? और उसके हाँ बाद आई गिव माय मोस्ट अफेक्शनेट पटर्नल मटर्नल लविंग ब्लेसिंग्स टू ऑल द बिलवड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन मेंशन ऑन द इनक्लोज्ड लिस्ट फॉर देयर सर्विसेज एंड डेडिकेशन। और उसके बाद योर्स अफेक्शनेटली आगा खान, एक आध और जुमले थे। तो ये इतना ज्यादा था कि एक मौका ये आ गया था कि जब वो जमात खाने में मुखी साहब ये तालिका पढ़ रहे होते थे तो मैं भी साथ साथ ये पढ़ रहा होता था, यानी मुझे जी रट गया था ये इतने हाँ हर वो हर कि हाँ अभी इसके बाद ये ओकेजन आने वाला है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है और इसे खत्म पे। होगा, एग्जैक्टली, दैट्स इट। मैं यानी कोई अगर मेरे लिप्स को देखता तो मैं लिप सिंक कर रहा होता था एग्जैक्टली उन वर्ड्स को जो आने वाले होते थे। और यानी कि इट्स टोटली कॉन्कॉक्टेड। खैर खैर, तो ये तो है, बिल्कुल सही बात है। जी फिर ये देखो यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने मेंशन किया है, जी, देयर आर थ्री प्रेयर्स मेंशन इन द नेम इन द कुरान, दीज आर द थ्री, देयर इज फजर इन चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 24, फिर असर के बारे में बताया है द मिडिल प्रेयर वर्स नंबर 238 सूरत अल बकरा में, और फिर ईशा के बारे में बताया है वर्स नंबर 58 में सूरह नंबर 24 सूरत नूर में वर्स नंबर 58, और फिर हाउ मेनी टाइम्स सला अपियर्स इन द 67 टाइम्स, हाउ मेनी ये 32 टाइम्स कुरान और सलात और ज़कात के बारे में बताया गया है। आई थिंक मैंने और 2 टाइम मेंशन करने का भूल किया मैं, लेकिन 5 टाइम्स क्लियरली बताया गया है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, इन्फोग्राफिक जो है वो कभी देखना चाहे तो मैंने जी readingislamism.com पे रखी है, यू कैन सर्च फॉर द आर्टिकल या फाइव टाइम प्रेयर्स इन द कुरान, इस्माइली रिजेक्शन ऑफ द फाइव प्रेयर्स इन इस्लाम, तो या उस नाम से आप कोई भी सर्च कर सकता है, वो सारी सामने आ जाएंगी और अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ज़कात के बारे में बात करते तो ज़कात में क्लियरली अल्लाह सुबहान ताला बोले कि तुमको ज़कात देना है, यू हैव टू स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह सुबहान ताला, यू हैव टू हेल्प द पुअर, ये करना है, ज़कात देना है। ज़कात भी कितना 2.5% देना होता है ज़कात अपने को, वो भी किस पे से, अपनी पूरी ईयर की सेविंग्स होती है, वो सेविंग्स को अपन जब टच नहीं करते ना उसमें से तब अपने उस को पे टू पॉइंट फाइव देंगे। परसेंट निकाल के करना होता है। एग्जैक्टली, और ये लोग जो है इनकम पे से ही देते हैं बेचारे। और हाँ इन लोग का इस्माइलीज का क्या होता है, एवरी मंथ उन लोग इसको जकात को लोग दसोन बोलते हैं लोग, और दसोन भी कितना 12.5% देना होता है। ओ 12.5% ऑफ जो दसोन है ना वो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है, यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 10% ही होता है, 10% यहाँ पे बोलते हैं वो देने का होता है वो हक। और जो 2.5 जो एक्स्ट्रा होता है जो इंडिया पाकिस्तान सब जगह पे देते हैं ना वो बोलते हैं वो पीर के लिए निकालने का होता है। हाँ, तो तभी तो मैंने जो जिक्र किया ना, गिव यू माय पेटर्नल मेटर्नल लविंग ब्लेसिंग्स, तो हाँ इसमें जो पीर और इमाम जो है, एक पेटर्नल मदर और एक पेटर्नल फादर है। तो अब क्या हुआ है कि मेरे ख्याल में आ खान फर्स्ट, असल में ये लोग खुद भी एक पीरों की नस्ल से चले थे, ये एक्चुअली पीर ही थे, ठीक है ना? लेकिन इन्होंने फिर बाद में इमाम बन गए एंड सो फोर्थ। या तो
खैर फिर मेरे ख्याल में सुल्तान मोहम्मद शाह जो थे ये पिछले आ खान साहब, इन्होंने जी कहा कि भाई अब कोई भी मैं पीर भी अपॉइंट नहीं करूंगा, ठीक है, अपॉइंट करते भी थे फिर जमा मगर फिर भी अपने साथ के अंडर के पीर अपॉइंट करते थे और कहते भाई ये मेरा नायब है या मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने पीर शीर अपॉइंट करना बंद कर दिए, क्योंकि जी फाइनेंशली पीर को 2.5% जाते थे, इमाम को 10% जी जाते थे। तो उन्होंने कहा भाई अब पीर भी मैं हूँ और इमाम भी नहीं, यानी कि तो सब स्पिरिचुअल मुझे ही दे मम्मा भी दो। मैं हूँ और स्पिरिचुअल बाबा भी मैं हूँ, तो आई एम स्पिरिचुअल मदर एंड फादर मैं हूँ और मुझे ये दोनों पैसे दे दो। जी तो दैट्स हाउ इट्स वर्कड आउट। कई इस्माइलियों को नहीं पता ये बात, जी कई इस्माइली जो है सुन के कहते हैं ये अकबर भाई क्या कह रहे हैं, ये कब है, मैं कब है, आप जाके चेक जी करें एंड दे वेरीफाई, दे फॉर श्योर फाइंड आउट दैट दैट्स द केस। बिल्कुल ऐसा ही है, भाई बिल्कुल ऐसा कुरान ही के अंदर भी देखो कितनी सारी जगह भी दिया, सूरत अल आराफ में आयत नंबर 153, सूरत अल हज में, तौबा में, फिर सूरत अल मुमिनीन, सूरत अल बकरा में, कितनी सारी जगह पे सब बताया गया है। पर फिर फॉलो नहीं करना है जो इमाम बोलते हैं वो सही है भाई, मतलब इमाम ने बोला दिन तो दिन, इमाम ने बोला रात तो रात, जबकि दिन होगा और रात बिल्कुल बोल देंगे तो रात ही रो गई भी। एग्जैक्टली सेंस नहीं बनता ना इन या तमाम लोग आर्गुमेंट्स का। आई डोंट, मैं मॉक नहीं करना चाहता इस्माइलीज को, मतलब बट वी वॉन्ट देम टू गेट इन टू द स्टेट वेयर दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स एंड द दीन, लाइक एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज नहीं इट नहीं हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज बिल्कुल तुम कोई भी रिलीजन में हो यू नीड टू नो व्हाट योर रिलीजन इज। ऐसा तो नहीं है ना कि बकरे जैसे तो नहीं है ना कि जहाँ जा रहे हो मैं करके चले जाओ। तुम इतने इतने वेल एजुकेटेड हो, इतने स्मार्ट हो, अल्लाह सुब्हान तआला को तो इतना अच्छा ब्रेन दिया है, समझने की सोचने की ताकत दी है तुमको कि तुम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। इतना यूनिक क्यों एब्सोल्युटली बनाया अल्लाह ने, अल्लाह सुब्हान तआला ह्यूमंस को, तुम सोचने की ताकत दी है ना, क्वेश्चनिंग क्यूरियोसिटी किसको बोलते हैं, तो वो एक होना चाहिए ना कि जानने के लिए कि नहीं नहीं ये ऐसा ऐसा है, ऐसा क्यों है, हमको ये क्यों फॉलो करना है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कोई रेफरेंस दिया हुआ है कि ऐसा करना है। क्योंकि कोई भी चीज़ अपन कोई भी चीज़ करोगे विदाउट प्रूफ तो अपन कोई चीज़ करेंगे नहीं। अभी फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल जज भी कोई क्रिमिनल को कोई उसको पनिशमेंट देने के लिए पहले वो प्रूफ मांगेगा कि कोई भी इसके अगेंस्ट में है क्या, इसके अच्छे के लिए है, फिर बाद में वो डिसीजन लेता है कि नहीं नहीं ये राइट है, इसने रॉन्ग किया तो चलो इसको पनिशमेंट देते, ये राइट है तो इसको छोड़ देते। लेकिन प्रूफ सुभान चाहिए ना अल्लाह कोई भी चीज़ के लिए, लेकिन तो जब तक प्रूफ नहीं होगा तो कैसे बिलीव करेगी, और प्रूफ चाहिए तुम्हारे सामने इतनी अल्लाह की, अल्लाह सुब्हान अल्लाह इतनी अच्छी तुमको कुरान भेजे है 1,432 ईयर्स, तो तब से प्रिजर्व करके वही एसेंस में है, ना एक कतरा चेंज हुआ है उसका, ना कभी हो सकता है। जैसी स्टेट में आई थी वैसी स्टेट में अभी भी है, तुम जैसे ही खोलो तुमको सब यू विल गेट एवरी आंसर टू योर क्वेश्चन, एब्सोल्युटली एनी रैंडम ए टू जेड तुम कुछ भी बोलो तुमको सब चीज का क्वेश्चन आंसर तुमको मिल जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल सुभान अल्लाह फास्टिंग के बारे में भी बोलते तो फास्टिंग में भी कितनी टाइम फास्टिंग के बारे में बताया है कि इट्स अ मंथ ऑफ रमजान, यू हैव टू फास्ट, कुरान आयत सूरत बकरा वर्स नंबर 185, द मंथ ऑफ रमजान इज द मंथ इन विच द कुरान हैज बीन सेंट डाउन एज गाइडेंस फॉर मैनकाइंड कंटेनिंग क्लियर साइंस विच लीड टू स्ट्रेट रोड एंड डिस्टिंग्विश द ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। फिर 183 में ओ यू हु बिलीव फास्टिंग इज प्रिस्क्राइब टू यू एज इट इज प्रिस्क्राइब टू दोज बिफोर यू दैट यू मेनी लर्न पायटी एंड राइचियसनेस। तकवा के लिए है फास्टिंग भी है अपने लिए, इट इज टू बिल्कुल प्लीज बिल्कुल सुबह अल्लाह सुबहाना ताला करने के लिए है हमको, और क्लियरली बताया है कुरान में कितने टाइम बताया है कि तुमको करनी है, तुमको फास्टिंग करना है तुमको, पर कितने तुम इसमें इसको तुम बुझेंगे तू फास्टिंग कर रहा है तू रमजान रहे के नहीं, वो तो मुस्लिम लोग के लिए, अपने को नहीं करने का थोड़ी है वो, तो मेरे को उस समझ में नहीं, पॉइंट तुम्हें पे बता तुम इसको पूछता कि तू तू मेरे को बता दे तू है क्या, मुस्लिम है जहां तक मेरे को पता है कि पूरे वर्ल्ड में मैंने तो खाली सुना है कि इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, फिर बुद्धिज्म है, ऐसा है, इस्माइलिज्म तो कोई रिलीजन है ही नहीं, वेरी गुड इस्माइली इज अ पॉइंट सेक्ट, वो भी माइनॉरिटी सेक्ट, शिया में से माइनॉरिटी सेक्ट एक और, बट इफ भी एग्जैक्टली तुम लोग मुस्लिम ही तो बोलेगा ना अपने आप को भी, तो एक तू मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम बोले तो मुसलमान होके तू ना रोजा नहीं रखता है, पर वो लोग वो रोजे नहीं रखेंगे, बट वो लोग कौन सा रोजा, वो लोग बीच का रोजा रखेंगे एवरी टाइम,
बीच के रोजे रखेंगे, वो फ्राइडे को होता है ना, जिस दिन चांदा होता है फ्राइडे एक ही दिन पे होती है, तब बीच का रोजा होता है। अभी साल में एक बार या दो बार होता है ऐसा कुछ है। हाँ, मैक्सिमम आप सीन के 3 दफा साल में होता है, 3 दफा हाँ रोजे रख लेते हैं। और वरना रोजे की इंटरप्रिटेशन और तावील क्या करते हैं कि भाई रोजा जो है असल में जो है वो दिल का होता है, आंख का होता आंखों का है। पर्दा होता है, आंखों से करना होता है, वो अच्छी बातें बोलनी होती है, खराब बातें नहीं बोलनी, ना देखनी कुछ गलत बातें चीजें ऐसा ऑल दैट, ऐसा थोड़ी है, वो भी लेकिन है आपको लेकिन बड़ी हमको ये भी इंटरेस्टिंग करना है। बात। जी हाँ, एग्जैक्टली। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो इनकी जो तावील है ना, उसमें ये लोग कहते हैं कि, और ये अबू याकूब सिजस्तानी और ये सब जो इनके बड़े बड़े जो पंडित हैं ओरिजिनल स्माइलियों के, ये आजकल या के 2 नंबर स्माइली नहीं, क्योंकि जो जी ओरिजिनल फातमी स्माइली हैं दोज वर द रियल स्माइलीज। ये आजकल या तो ये सारे आगा खानी है, राइट। ये एक अलग रिलीजन है और एक बिल्कुल उन्होंने स्माइलिज्म को हाईजैक करके उन्होंने एक रिलीजन या बनाया और नाम स्माइलिज्म रख लिया। खैर, वो वाले स्माइलीज जो थे इन्हीं फातमी और जो फातिमा इस्माइलीज कहलाते हैं, ठीक है ना, तो वो उनके ये होते थे पंडित, ये अबू याकूब सिजस्तानी और ये कादी नुमान वगैरह। तो वो लिखते हैं कि माह रमजान जो है उसके रोजे रखने से मुराद जो है वो ये है कि शरीयत का जो बातनी इल्म है उसको अहले जाहिर से छुपाना, इसका नाम जो है रमजान के रोजे रखना है। और हर चीज की उनकी है ना एक अजीब तावील है, कहते हैं कि जैसे वो था, क्या था, माह रमजान के जो कहते हैं 30 दिन है, तो जी उस 30 दिन से क्या मुराद है। वो कहते हैं कि हजरत अली और इमाम मेहदी के दरमियान जो 10 इमाम है, ठीक है ना, जी 10 हुज्जतें हैं और 10 अबवाब हैं, जी ठीक है। तो कहते हैं ये हैं वो 30 दिन जो कुरान में लिखा है कि 30 दिन रोजे रखो। तो ये 30 दिन रोजे रखने का मुराद है कि ये 30 दिन से ये मुराद है और रोजे रखने से ये मुराद है। इस तरह की बेतुकी इंटरप्रिटेशन जो है ना भरी पड़ी है कि सेंसलेस वुदू है, में कोई सेंस नहीं बनता वुदू इसका। का क्या बोल रहा था? भी मैं इसी तरह कह रहा था कि वुदू की भी इतनी अजीबो गरीब सी तावीलें हैं। मैं आपको एक उसमें से एग्जाम्पल बताता हूँ वुदू की। जैसे जैसे कुली करने से क्या मुराद है। कुली करने से मुराद ये है कि इमाम का इकरार करना और उसकी अताअत करना, ये कुली करने का मतलब है, यानी कि जो मुंह रिंस करते हैं वो। और जैसे दाढ़ी के बालों को अच्छी तरह साफ करना, ठीक है, कहते हैं कि जी वुदू का तरीका, इसकी तावील ये है कि अम्बिया और अइमा की तस्दीक इस तरह करना कि इनमें कोई छूट ना रह जाए, जी ठीक है ना, ये है। अच्छा, फिर सीधे हाथ धोने से मुराद है इमाम नबी की इताअत करना। बाएं हाथ से वुदू का मतलब है हुज्जत या वसी की इताअत करना। तो वुदू भी उन्होंने क्या, भी अगर हमने इमाम की इताअत कर ली तो ये राइट हैंड धोने के बराबर है, और जो है वसी की इताअत कर ली तो उल्टा धोने के बराबर है, तो वुदू भी नहीं करना इनको। फिर सर का मसा करने से क्या मुराद है कि रसूल अल्लाह का इकरार करना, आपकी शरीयत पे चलना। ये खुद लिखते हैं अबू याकूब सिजस्तानी अपनी अपनी तावीलों में, और वो लोग करते, वो ये लोग से आजकल के जो इस्माइली हैं वो इससे भी फारिग हैं। अच्छा, जी फिर क्या कहते हैं कि सीधे पाँव का मसा करने से मुराद है कि इमाम या दाई का इकरार करना, और बाएं पाँव का मसा करने से मुराद है हुज्जत का इकरार करना, ठीक है। तो मतलब करें क्या और फिर? एग्जैक्टली कुछ भी नहीं करना, मतलब हर चीज की, हर जब चीज में रमजान मतलब ये करोगे तो रॉन्ग है, ये करो के रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, सब रॉन्ग है। हर चीज की मतलब कुछ और है, और वही मतलब, और मतलब सारा वो है कि जो इनके हर आर्गुमेंट को सूट करता है। नमाज पढ़नी, तो नमाज का तो मतलब ही कुछ और निकाला उन्होंने, रोजे का मतलब ही कुछ और है, हज का मतलब जो है नाउज बिल्ला आखान साहब को देखना है जो हाँ मतलब आगा खान जो है, सबको देखना है, हज है वही। हाँ वो देख लिया तो हज हो तो गया। अरे तो ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इस तरह के अकायद के साथ लोगों को। ये जमात करने भी जो किबले की जो फेसिंग है, किबला डायरेक्शन, तो अभी जमात किबले की तरफ बैठती है, लेकिन जो पार्ट कमिटी जो होती है जिसमें मुखी कामड़िया, मुखियानिमा कामड़िमा, और जो जो दुआ पढ़ा रहा है या गिनान कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो किबले के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस होके कर रहा है। हाँ, ये तो अमीज आपने चंद जमात खाने में देखा होगा, लेकिन मैंने जितने जमात खाने देखे हैं ना जी उनमें तो तवज्जो ही नहीं दी जाती कि डायरेक्शन किस तरफ है। तो यानी कभी कबला साइड में भी होता है, कभी आगे पीछे दाएं बाएं होता है, यानी या किबले की डायरेक्शन इज नॉट
प्री रिक्विजिट फॉर देम, के क्योंकि देखें ना, नॉर्मल तरीकों में भी एक दूसरे के सामने बैठ के नमाज या दुआ अपनी पढ़ रहे होते हैं, लोग हाँ साइडों में भी बैठे होते हैं, जी तो एक तरह से वर्चुअली एक सर्कल ही बन जाता है, हालांकि सर्कल नहीं होता, रोज बनी हुई होती हैं, जी जी और एक बड़ा ग्रुप जो है वो उनको फेस कर रहा होता है, मुखी कमरे और जो दबा जमात और एक करा लेडीज का, रहे दूसरा होते हैं लेडीज का, उनको, पर्दा भी दूसरा नहीं है, लेडी, कोई टाइप का पर्दा नहीं, पर्दा तो कहते हैं ना, पर्दा तो उस पर्दा दिल हाँ, दिल का और का आंखों का, कानों का, इसका पर्दा। कोई मस्जिद में कोई लेडीज को जाते हुए देखा नहीं है, लेकिन उनका सेपरेट होता है, फॉर लेडीज के लिए अलग से होता है। हाँ, मतलब देखिए मकसद ये, जैसे अब कोई अब ये बात सुन के ना कोई इस्माइली कह सकता, नहीं, खाना कहवा में और मस्जिद नबी में और जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मसाजिद थी उनमें मर्दों और औरतों की सेग्रीगेशन इस तरह होती थी कि मर्द आगे होते थे, औरतें पीछे होती थी, ठीक है जी ना। लेकिन इस्माइली जमात खानों में आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं, इस्माइली जमात खानों में लेफ्ट और आज राइट बाज का काम लेफ्ट और राइट में बैठते हैं, है, ठीक है। बट तो मेन द ये मेन रीजन लेडीज को एंटर नहीं होने देते आदमियों के सामने, इसलिए क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना। एक, वी आर ह्यूमंस, एग्जैक्ट दैट्स मेन व्हाई दे आर एंड एट द वुमेन, दे फ्रंट बोथ लाइन। गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर्स। हाँ, लेकिन ये वही है। सुभान अल्लाह, द मॉडर्न साइंस प्रूव करती है कि मर्दों का जो इंक्लिनेशन है, दे आर मोर, आई वुड से, डिस्ट्रैक्टेड देन वुमेन आर डिस्ट्रैक्टेड बाय मेन। यस, तो क्योंकि इसलिए दैट हिकमा बिहाइंड या मेन, जो मर्द हैं आगे हो और पीछे औरतें हों, उसके पीछे तो ये हिकमा हाँ, है। क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि तुम आगे ही देखोगे ना, और नमाज पढ़ते रहे तुम राइट एंड लेफ्ट फेस नहीं कर सकते अपने आप को, तुम हिल नहीं सकते, यू डोंट हैव टू लूज कंसंट्रेशन। इसके लिए तो एक कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, इसके वजह से तुम पीछे मुड़ के भी देखते नहीं जब तक तो तुम्हारी नमाज कंप्लीट नहीं होती तब तक। बिल्कुल और सही, ये बिल्कुल जमात खाने में बैठते तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कोई भी लेडीज में से भी कोई एंटर हो तो सीधा मुंह लेफ्ट साइड पे जाता कि कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है, एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल, मेन वुमेन, कोई भी हो, कोई भी एंटर होता था तो सबसे पहले नजर तो जाती कि कौन आया, अरे ये आया जमात, ऐसा मतलब। तो वो एक इट्स रॉन्ग, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है ना। फिर जमात का दुआ पढ़ते टाइम भी तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रहता, तुम इधर उधर देखते रहते हो, तुम फिजिट करते रहते हो कोई भी चीज से, ये राइट नहीं है। तुम अल्लाह के सामने तुम दुआ मांग रहे हो, तुम मजाक करने थोड़ी बैठे हो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो एक रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट नहीं है ना वो चीज की, अदब, कोई टाइप का अदब नहीं है, कोई टाइप के रूल्स नहीं है, कुछ भी है जो तुमको मन में आया मर्जी करो। इसलिए तो बोलते हैं ना, इस्माइली लोग को सब चलता है, सब चलता है उनको, वो कुछ भी करे वो चलता है उनको। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो इस्माइली जो हमारे हैं, उनके अनफॉर्चुनेटली उनका ड्रिंकिंग जो है वो एक बड़ी नॉर्म है उनके यहाँ। आम ड्रिंक करते हैं, मतलब जितने इस्माइली दोस्त हैं मेरे यूएस, और खास तौर पे यूएस में, कनाडा में भी हैं बहरहाल, हाँ, जी उनके घर में बार्स होना तो बड़ी एक आम सी बात है कि छोटा सा बार वही सबने बनाया हुआ जी, है। पता नहीं क्या। खैर, और आपके क्या पॉइंट्स? आपने, मैं खल में हज पे आपने काफी जी, हज लिखा पे है। भी मैंने लिखा है कि इट इज मेंशन इन द कुरान चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 25, मेंशन वी हैव मेड द हाउस अ प्लेस ऑफ रिटर्न फॉर द प्लेस फॉर द पीपल एंड अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी, एंड टेक ओ बिलीवर्स फ्रॉम स्टैंडिंग फ्रॉम द स्टैंडिंग प्लेस ऑफ Abraham, a place of prayer, and we charged Abraham and Ismail, saying, Purify my house for those who perform tawaf and those who are staying there for worship and those who bow down in prostration in prayer. वो हज काबा, इसके काबा बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, उनको बोले थे अल्लाह सुब्हान तआला ने कि बनाओ काबा, बनाओ। एक वो एक पॉइंट है ना, एक काबा शरीफ, एक वो यूनिटी, पॉइंट ऑफ यूनिटी है ना पूरे ब्रदरहुड के लिए। उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब रेसिज्म भी नहीं है, सब भी हट जाता है उसमें, कि भले तुम कोई भी हो, ये काबा शरीफ ही एक पॉइंट है, वहां पे तुमको फेस करके ही तुम पढ़ा, फिर तुम कोई भी दुनिया में कोई भी पॉइंट पे हो, वो एक सेंटर ऑफ, वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ यूनिटी जैसा है वो। बिल्कुल बिल्कुल अपन इसमें लिख को क्या बोलने का कि अल्लाह तो सब जगह पे है, इट इज ट्रू, अल्लाह इज एवरीवेयर, राइट लेफ्ट अप डाउन, कहीं जहां पे तुम देखो अल्लाह है, अल्लाह सुब्हान तआला वहां पे मिलेंगे तुमको। लेकिन द पर्पस ऑफ फोकसिंग ऑन वन पॉइंट इज बिकॉज अल्लाह अल्लाह चोज दैट पॉइंट फॉर यू। जो जो इसमें एक और बात ऐड कर दूं मैं, कि जब कहते हैं ना कि
अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो उससे हम कहते हैं कि हर चीज जो अल्लाह ताला के इल्म में है, ठीक है। क्योंकि जी फिर बहुत सारे लोग इसको एक्सट्रापलेट करके कहते हैं, अच्छा तो अल्लाह आपने कह दिया अल्लाह ताला हर जगह है, तो कि अल्लाह ताला नाउज़ बिल्ला किसी गंदी जगह का नाम लेके कि अल्लाह ताला वहाँ भी मौजूद है, कि अल्लाह ताला यहाँ जी भी मौजूद है। तो इससे यू नो व्हाट द उलमा से इज के अल्लाह ताला हर चीज अल्लाह ताला के इल्म के अहाते में है, अल्लाह ताला जी की हर चीज अल्लाह ताला के इल्म के अहाते में, एंड दैट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला की अगर फिजिकल लोकेशन अगर कोई इमेजिन करना चाहता है, तो द कुरान इज वेरी क्लियर इन दिस आयतुल कुर्सी में, यू नो वसीअ कुर्सी वस्समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला की जो कुर्सी है वो जमीन आसमानों के ऊपर, अल्लाह ताला इज अबव हिज क्रिएशन, राइट। अल्लाह ताला इज नॉट पार्ट ऑफ हिज क्रिएशन, इज अबव हिज क्रिएशन, इज बियॉन्ड हिज क्रिएशन। तो लेकिन ये कि जो कावे का मकसद है वो डेफिनेटली एग्जैक्टली वही है जो आपने कहा है, कि एक पॉइंट ऑफ यूनिटी है कि हर कोई जो है वो एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ जो है वो नमाज पढ़े ना, ये पर्पस ये है उसका। और डिसिप्लिन पर्पस है कि बस हर कोई आप सोचे ना, एक मस्जिद में कोई कहाँ सजदा कर रहा है, कोई आप सोचे ये रिक्वायरमेंट ना होती क़िबले की, तो आप किसी मस्जिद में जाएं तो सोचें अलग अलग लोग नमाज पढ़ें, तो कोई किस तरफ सजदा कर रहा है, कोई किस तरफ कर रहा है, कोई दीवार की तरफ कर रहा है, कोई पिछली दीवार की तरफ हाँ, कर रहा है, ऐसा करना ही नहीं है। तो इसी तरह एक डिसिप्लिन कायम होता है जब वो एवरीबडी बैठता नहीं, वो कितना नमाज। वेर्ड लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ऑर्गेनाइज क्यों नहीं है जरा भी। एग्जैक्टली। वही ये 5 पिलर्स तक का था इतना, फिर हज के ऊपर कितनी सारी अगर तुमको कोई सवाल, कोई भी किसको भी बोल सकते कि तुम ज़्यादा सर्च करोगे कले कुरान, व्हाट डज कुरान सेज अबाउट हज, या तो तुमको क्लियरली तुमको कितने सारे एग्जांपल्स भी मिल जाते हो। तुम जैसे तुम धीरे धीरे कुरान ओपन करते हो, तो एवरी सूरा में हज के बारे में, सलात के बारे में, रोज़े के बारे में, सदका दोज़ा सब चीज़ के बारे में, एवरी नाउ एंड देन एवरी फ्यू आयत के बाद में, थोड़ा थोड़ा आयत के सूरज के बाद में तुमको मेंशन करने में आया, तो तुमको रिमाइंडर मिलते रहता है। देखो इधर भी मेंशन है, इधर भी मेंशन है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब जगह पे बताया गया है एक बिल्कुल किस तरह से तुमको अपनी लाइफ जीनी है। वुमेन की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनकी बातें सुनो, लेडीज को पर्दा रखना होता है नामहरम से, ये सब जो भी है। एक लेडीज को कितना दर्जा दिया हुआ है इस्लाम ने, पहले तो लेडीज की कोई वैल्यू ही नहीं थी, पहले वुमेन्स की बिफोर इस्लाम, पर फिर अल्लाह ने उनको एक इक्वल स्टेटस दिया मेन के आदमियों की तरह। मतलब बिल्कुल बिल्कुल कितनी सारी चीजें तुमको सीखने मिलेगी उसमें से, ऐसी तो कितनी चीजें जो हमको पता भी नहीं है, कि किसी ने सुनी भी नहीं होगी, लेकिन कुरान में सब चीज मेंशन हुई है, एवरीथिंग। कितना कितना अनफॉर्चुनेट है कि कई इस्माइली हमारे जो बेचारे हैं वो इस तरह के हैं जिन्होंने आज तक कुरान खोल कर भी नहीं देखा, उनके घर पे कुरान है ही नहीं सिरे से। खैर, अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया है, राइट। इट्स जी बिन मतलब तो पिछले कम से कम 20 साल से किसी के पास कोई एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए कि उसने कुरान खोल के क्यों नहीं देखा। लेकिन कुरान कितना दूर है, एक एज फार एज google.com उतना ही दूर है, कुरान.com, यस, एंड देयर यू हैव इट इन द लैंग्वेज यू वांट। सब चीज मिला, इतना इजी एक्सेसिबल है, और इतनी इजी लैंग्वेज में तुमको समझाते थे, इतनी इजी फ्रेजेस में, कि तुम कोई 5 साल के बच्चे को पढ़ा लो, वो भी समझ जाएगा क्या बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला वही ने जो है कुरान आसान किया, बिल्कुल। जी, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ पढ़ के फिर आई रियलाइज के, जब मैं कुरान पढ़ा था, मेरे को यू नो आई सॉ अ लाइट, इतनी ग्लूमिंग थी, इतनी ब्राइट लाइट मेरे को मेरी आंख में दिखी, कि मतलब वो कोई कोई भी तुम लाइट से कंपेयर करो तो सन की रेस से भी ज्यादा पावरफुल थी, इतनी ऐसी लाइट मेरे को दिखी कुरान पढ़ने के बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा लगा। और जब भी नमाज पढ़ता था, भले मुझे वो आयत का मीनिंग नहीं पता, लेकिन वो नमाज आयत जैसी सुनता था, मेरे को मेरे आँख से पानी आ जाता, मैं रोने लग जाता था नमाज पढ़ते पढ़ते टाइम पे। पता नहीं अल्लाह क्या बोल रहे हैं उसमें, लेकिन जो भी बोल रहे हैं, पर वो ऐसे दिल को छू जाती है ना, कि रो देते ऐसा। वो भी इसमें भी है ना, कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जब भी उनको एक वही नाजिल होती थी, और फिर जब वो सबसे सबको शेयर करते थे, बताते थे उनके बारे में, तो लोग सजदे में गिर के रोने लग जाते थे, कि क्या बात कर दी तुमने, मतलब अल्लाह के बारे में बताया, मतलब ये मैसेज आए, तो इतने
तुम पढ़ो, तुम जैसे कनेक्ट होते हो तुम ऐसे कनेक्ट हो जाते हो कि तुम उससे डिस्कनेक्ट ही नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसा ही है, ऐसा ही है। थोड़ा पता नहीं मेरे को इस्माइल लुका समझ में नहीं आता है, इतना कोई कोई चीज, उनका कोई चीज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अभी प्रूफ देने के बाद भी लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ये राइट नहीं, ये रॉन्ग। अरे सबसे ज्यादा कॉमन जो कमेंट आता है ना यूट्यूब के और जो फेसबुक के हमारी पोस्ट होती हैं उस पे आता है कि ये बिल्कुल गलत है, और जो गो एंड रीड समथिंग एंड देन कम बैक। हाँ मैं ये कहता हूँ कि यार आई एम वेरी हैप्पी टू गो एंड रीड समथिंग, कैन यू गिव मी समथिंग टू रीड। हर चीज तो आप छुपाते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट मी टू रीड? वो तकिया रखते हैं ना, एग्जैक्टली वो पर्दा रख देते, किसके सामने बताएंगे एग्जैक्टली नहीं कि उन लोग क्या करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उनके मिशनरी भी ये कहते हैं कि भाई हम तकिया करते हैं, हम जो है, जो एक उनका जो पंडित है वो कहता है कि मैं जब स्कूल जाता था तो मैं रमजान में अपने मुसलमान दोस्तों से छुप के जो है बाथरूम में जाके खाना खाता था, जो अरे अपने ये जो तो, प्रोटीन इससे तो ये भी पता वाला। चला गया, वो है ना कौन अभी, क्या नाम है उसका, वो हार्वर्ड ग्रेजुएट कौन है, वो भी जी, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, उसका नाम है खलील लजत। खलील 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 अंदा नहीं, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं, उसने उसी ने कहा था ये। वो हाँ मैं सुना था। अरे उसके स्पीच तो माशाल्लाह, क्या स्पीच देता है वो, मतलब वो जिब्राइल असलम तो एंजल है ही नहीं, सुभानअल्लाह, रसूल सलाम तो वो बोलते हैं ना प्रॉफिट को, जब प्रॉफिट और रसूल सलाम को मिला था तो कैसे मिला था, वो अबू तालिब हजरत अली रज़ी अल्लाह उनके फादर वो इमाम थे, उन्होंने रसूल को समझाया, उनको पढ़ाया, ये सब किया, उन्होंने, हाँ खतीजा अबू रज़ी अल्लाह तालिब था। ने, यस एग्जैक्टली अबू अबू तालिब, तालिब ने पढ़ाया, अबू अबू तालिब तालिब वाज़ इमाम द टाइम ऑफ द थे, इमाम ऑफ द टाइम, ही सेज एग्जैक्टली अबू तालिब वाज़ द एग्जैक्टली। इमाम ऑफ दैट टाइम, ओके। एंड खतीजा रज़ी अल्लाह शी टॉट एवरीथिंग टू रसूल एंड प्रिपेयर हिम टू बिकम अ प्रॉफिट। ये जी, इस क्या तरह जॉब के की ट्रेनिंग दे रहे हैं क्लेम्स क्या, मतलब ऐसे तुम लोग बोल रहे हो। हैं, और बेसलेस क्लेम्स हैं, मतलब इतना हाँ बड़ा झूठ है कि आप क्या इसको, अब मैं कुरान और हदीस से साबित करूंगा ये? दिस इज डिनायल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, कुरान हदीस, इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम फॉर द पास्ट 1400 ईयर्स। यस तो ये वही उन्होंने अब क्या किया, एक इन्होंने और इस्माइलियों ने, जी कि जो वो ये जो क्लासिकल इस्माइलीज थे, जो असल इस्माइली थे, जी उनकी ये जो हेरेटिक जो है उनकी राइटिंग्स हैं, ये वो यकूब या सिस्तानी है और ये इन लोगों की, वो उठा के अब उन्होंने ये जो आजकल के इस्माइलीज हैं, जो जो बेचारे आगा खानी हैं, जी उनको सिखाना शुरू कर दिए। तो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती है ये, या लेकिन असल जो उनकी फिलोसफी है वो यही है, जो ये हार्वर्ड ग्रेजुएट जो है बता रहा है। हाँ पता नहीं वो कहाँ से ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आता है, और मेरे को समझ में नहीं आता है वो ग्रेजुएट उसमें इस्लामिक स्टडीज में उसको डिग्री मिली कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम पास कैसे किया उसने। नहीं तो वो जो पढ़ा रहे होते हैं ना अमीज, उनको पढ़ाने वाले भी तो यही लोग होते हैं ना। आप देखें ये कौन है, अली असानी है, ठीक है ना, तो वो भी प्रोफेसर है, ये खलील है, ये अब असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो अब इस तरह के लोग जो हैं वो जब प्रोफेसर बनते हैं तो स्टूडेंट्स भी ऐसे ही निकलते हैं, यही लोग उनके पीएचडी सुपरवाइजर्स होते हैं, तो बट वो इन यही लोग चीजें को, सोचते बट क्या हैं। नहीं, इतना फॉल्स। बट दे स्टडी इस्लाम फ्रॉम, जो इस्लाम की होता वो स्टडी करते हैं जी वो विद द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लाम नहीं करते, विद द पर्पस ऑफ क्रिटिकिंग इस्लाम करते हैं। तो उनकी जो डिग्रीज होती हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के, जो जिन उलमा से मैंने पढ़ा है, ऑल ऑफ देम यूनानिमसली से दैट इट्स हराम टू स्टडी इस्लाम फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम, बिल्कुल। या और इन मॉडर्न डे जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जो जी सेक्युलर वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे इस्लाम पढ़ना भी सख्ती से हराम है, इसलिए कि आपको इस्लाम की, वहाँ से जो भी इस्लाम पढ़ ले, ठीक है ना, वहाँ से जो जी भी इस्लाम पढ़ ले उसको जो इस्लाम का वर्जन मिलेगा वो एक ट्विस्टेड और मॉडिफाइड ही मिलेगा, रियल इस्लाम वो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते और सिखाते हैं। हाँ। और वो बीच में क्या, एक और वो बोलता है कि सुल्तान रसूल को उनके ख्वाब में सुल्तान मोहम्मद शाह का दीदार हुआ था उनको, वो रिसेंट वीडियो ही मैंने देखा था उसका, भले वो बोलते ना कि हुकूक क्या था, मैं भूल गया, सीरियसली मैं भूल गया, लेकिन मैंने इतना मेरे को याद है कि बोल रहा था कि रसूल को सुल्तान मोहम्मद शाह का ख्वाब आया था उनको।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक अभी उसने रिसेंटली कहा है वीडियो में कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्हें नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह सुल्तान मोहम्मद शाह जो हैं वो आए थे ख्वाब में, और सूरह मेखन में लैलतुल कदर से उसको रिलेट कर रहा था वो, यस, हाँ, तो लैलतुल कद्र के। एग्जैक्टली दैट वाज सो वेरी और ये इन्फ्यूरिएटिंग आई नो, सुन के और वो बल्ब एक के कोई इस्माइली ये मिशनरी है, वो क्या बोलते हैं उसका, बाबुल 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 है, अबूली है, मिशनरी, और फिर कोई पाकिस्तान की भी देखे ना, क्या नाम अबू अबू अबूली, अबूली अली, या तो अबू हाँ अली या तो बाबुल मिशनरी, उनके टाइम पे कोई मतलब वो सुल्तान मोहम्मद शाह का दीदार होने वाला था, उनके पहले वो बयान दे रहे थे ऐसा, तो वो इसकी बात हो रही थी अपना मेराज रात की, जी 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 तो उसमें बता रहे थे कि मेराज क्या हुआ था, रसूल सलाम गए थे ऊपर, उनको हर डोर स्टेप पे ये मिले थे, और फिर बाद में उनको अल्लाह से बात हुई उनकी, और ये हुआ, तो फिर जैसे ही वो बात कर ही रहे थे, वही टॉपिक पे बात हो रही थी, बता रहे थे ऐसा, तो एंट्री हुई सुल्तान मोहम्मद शाह की, दीदार करने आ गए ऐसा, तो एंटर किए उनके पास, वो जो स्पीकर था उनके पास गए, उनको बोले कि किस चीज पे बोल रहे थे ऐसा, मतलब क्या, तो बोले कि मेराज रात के बारे में बात कर रहे थे, तो रुक क्यों गया, कंटिन्यू कर, कंप्लीट कर ले, फिर मैं स्टार्ट करूंगा, तो बोले कि वो, और फिर पूछे थे कि किस चीज़ पे, अभी तू क्या बता रहा है उनको एग्जैक्टली, कि वो रसूल साहब ने अल्लाह से बातें किए, तो उनको एक हाथ दिखा था, उसमें कोई अंगूठी थी उनके हाथ में, पर्दे के सामने की तरफ कोई बैठे थे, तो वो सुल्तान मोहम्मद शाह, वो अबू अली या तो बाबुल मिशनरी, आई डोंट नो हु इट इज़, बट समवन वाज देयर, वाज समवन, तो जो स्पीच दे रहा था, तो उसको बोले कि तेरे को पता है वो किसका हाथ था, सुल्तान मोहम्मद शाह वाज आस्किंग दैट स्पीकर कि डू यू नो हुज हैंड इज व्हाट इट वाज, तो वो बोलता है खुदा भी नहीं पता मुझे किसका है, एंड देन ही सेड दैट वो हाथ दिखाए उनका, सुल्तान मोहम्मद शाह खुद का हाथ दिखाए, वो एक अंगूठी उनके आते, तो बोले ये हाथ था वो, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अच्छा हाँ याद है मुझे, ये बाबुल अबोली का ही था, और मतलब मैंने उस जब सुना था, मैं कहता ये हाथ और अंगूठी वाली तो फैक्ट था ही नहीं पूरे वाकये में, हाँ ये बिला वजह डाला उनको फिट करने के लिए सुल्तान शाह को। और इतनी मनगढ़ंत स्टोरी, मैं इनको कहता हूँ स्माइली फेक लॉर्ड्स। स्माइली फेक लॉर्ड्स का एक सेक्शन भी बनाया मैंने rethinkingislamism.com पे, तो उसमें फेक लॉर्ड्स में आप सोचें कितनी रिडिकुलस बात है कि एक वाज चल रहा है, जमात बैठी है, और जी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह साहब जो है वो टहलते हुए आगे, किसी को पता ही नहीं है कि वो आने वाले थे, ऐसा लग रहा था कि वो भी उसी जमात खाने में बैठे, तो उस दिन वो आ गए वहां पर। भाई वो जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह आते हैं कहीं पे, तो क्या इस तरह आते हैं कि एक वाज चल रही होती है उसके बीच में आ जाते हैं और कहते हैं या नहीं तुम कंटिन्यू करो, क्या स्पीकर के बिल्कुल बगल में से निकल आते हैं, या कोई एंट्रेंस भी होता है जहाँ पे होते हैं, मतलब ये आप इसको विजुलाइज ही नहीं कर पाते ना कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वाइस चली थी बीच में सुल्तान शाह आ गए और कहा कि वो रुक गया, नहीं तुम कंटिन्यू करो अभी कितना बता रहे हो, क्या एंट्रेंस से आवाजें लगा के पूछ रहे हैं, इट डजंट एड अप। या मतलब लोगों, इतनी रिडिकुलस स्टोरीज होती हैं, ठीक है। अभी जी रिसेंटली भी मतलब अभी और किसी और टॉपिक पे इतनी रिडिकुलस स्टोरीज थी, एंड पीपल वर बिलीविंग दोस रिडिकुलस स्टोरीज बिकॉज के दे डोंट गो इनटू स्क्रूटनाइजेशन मोड, वो तहकीक के मोड में होते ही नहीं है जब वो ब्लाइंडेड होते हैं ना किसी की भी जी बातों से, पर्सोना से, या किसी के भी इमेज से, तो वो लोग कभी भी उसको ये नहीं करते कि यार मतलब बाल की खाल उतारने से कहते हैं ना कि आप बिल्कुल स्क्रूटनाइज करें कि यार ये जो आपने कहा कि सुल्तान मोहम्मद आए और ये वायस चल रही थी, तो क्या तो अलवायस को नहीं पता था कि सुल्तान मोहम्मद आने वाले, क्योंकि वो तो जब आ रहे होते हैं वो तो जी तो उनको दीदार पता है या अनाउंस, दरबार हाँ ये चीजें होती है ना, अनाउंसमेंट हो जाता तो है, वो तो सलावातें और हाँ सलावातें सलवा से चल रही स्टार्ट हो होती जाता है, है ना कि सलवा से स्टार्ट हो जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद मोहम्मद वाले व आले वाले मोहम्मद, मोहम्मद ये पूरी पूरी जमात ये बोल रही होती, तो ये कैसी एंट्री मारी है इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह साहब ने कि वहां वॉइस चल रही है और उसको पता ही नहीं क्यों आने वाले, इट डज नॉट ऐड हाँ अप। ये सारे फेक लोड्स हैं जो वो लोग फिट करते हैं और फिर खुद ही सुनाते हैं कि मैं एक दफा कर रहा था तो आए, इन्होंने कहा मेरा हाथ था, कभी नहीं होता है। आप पूछें कि एक यार ये जो वाकया हुआ था ये किस डेट को हुआ था, ये बताओ मुझे, उसमें से चार विटनेस लाके खड़े कर दो, कभी नहीं कर सकेगा, कभी नहीं कर बराबर, सकेगा। ये लोग को अगर क्वेश्चन कोई पूछो तो पूछता आंसर देने के लिए है रेडी नो नहीं बडी है, आस्क्स फॉर एविडेंस, इवन इवन इफ समवन आस्क, दे आर नहीं नॉट रेडी कोई टू गिव एविडेंस देम द एविडेंस, दे आर नॉट रेडी टू गिव देम आंसर्स, दे आर लाइक यू आर नॉट नहीं, सपोज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यू आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चन,
exactly. समझ भी नहीं आता है इसे if I'm studying about something, मैं कोई maths का कोई problem solve करना है, लेकिन मेरे को पता ही नहीं कि वो solve कैसे करना है, तो बोलेगा नहीं मैं नहीं बता रहा, तू अपने आप कर ले. अरे तो मैं पास कैसे करूंगा एग्जाम, मैं आंसर कैसे दूंगा इसका, अगर तुम मेरे को बताने के लिए समझाने के लिए रेडी नहीं हो. तुम्हारा काम क्या है, तुम टीचर हो, तुमको तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम तुम्हारे स्टूडेंट्स को समझाए कि किस तरह से करना है. यू हैव टू एक्सप्लेन देम, यू हैव टू शो देम द वे. तो तुम ये मिशनरी जो दाए तुम ये सब बनते हो, तुम लोग स्टडी करते हो ना उसके ऊपर. अभी सब नहीं करते, चलो तुम लोग करते हो, तुम लोग चलो तुम पूरे स्पेशलिटी तुम उसमें कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम जमात को बताओ कि क्या है, तुम उसका प्रूफ दो, ताकि वो लोग खुद घर जाके वो लोग स्टडी कर सकते हैं उसके ऊपर, कि देखेंगे कि ये रेफरेंस मिला था, चलो अपन देखते हैं और क्या लिखा है उसमें, अपन वापस पढ़ते हैं, समझते हैं. विल एजुकेट आवरसेल्व्स एज़ वेल. क्योंकि वो आप देखते होंगे ना डॉक्टर जाकिर नायक के वीडियोस, उनके हर एक वीडियोस में वो हर एक जो भी आयत, फिर चाहे वो कुरान की ना हो, बाइबल की हो, वेद की हो, या तौरात ज़बूर सबकी, वो आपको रेफरेंस नंबर के साथ में देंगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि मैंने कुछ तुमको रॉन्ग बोला और तुम कुछ और क्लेम कर रहे हो एंड ऑल दैट. ही विल गिव यू द रेफरेंस के साथ देते हैं ना, तो रेफरेंस के साथ इसके साथ देते हैं कि फिर पॉइंट आउट नहीं करे ना कि तूने रॉन्ग बोला था मेरे को. अब घर जाके खुद अभी चेक कर सकते और समझ सकते, तो आंसर देने में प्रॉब्लम क्या है, और डर क्यों जाते हैं आंसर देने में. तुमको पूछना नहीं और मैं बाद में बताऊंगा. अरे बाद में मतलब वो एक बार बाबुल मिशनरी एक बार हमारे बैक होम इंडिया में एक बार हमारे टाउन में आए थे. फर्स्ट टाइम देखा था मैं उनको, बहुत नाम सुना था कि बहुत फेमस है, वॉइस उनकी सुनता था, अच्छी भी लगती थी पहले, अच्छा लगता था सुनने को ऐसा पहले, तभी तो कि अपने राइट है वही ऐसा है, तो वो सुनता था अच्छा लगता था, चलो देखने को मिला, चलो अच्छा है कौन है ऐसा. तो फिर सुना तो एक बार क्वेश्चन करने गए उनको, कुछ पूछा मैंने, मैं और एक जन कोई था मेरे साथ, चलो कुछ पूछने गए, तो बोले कि अभी इसका जवाब मेरे पास नहीं है, कोई सवाल किया था, तो बोले कि मैं बाद में बताऊंगा. वो बाद में का टाइम आया नहीं, वो खुद उनकी खुद की वफात हो गई, अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया उन्होंने, मतलब ही पास्ड अवे, बट मुझे उनका वो क्वेश्चन का जवाब मिला ही नहीं मेरे को कभी भी. आपने स्क्रीन पे जो शेयर किया हुआ है वो क्या है? ये मोमन चेतावनी के गिनान है, ये smiley.net पे से मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, लोग क्या बताओ. तो इसमें ये चेतावनी है मोमिन के लिए. हाँ ये जो फोर्थ नंबर है इसमें ए जी जोमान जोमान माने ज़ूम इन करा नर्जी कहिए तेनी साख अमीन, इसको जरा ज़ूम इन करें, इसको जरा बड़ा करते हैं. ओके एक सेकंड, जस्ट हिट कंट्रोल प्लस कर लें या अपना पिंच टू ज़ूम कर लें. सो दिस इज द फोर्थ वन, ए जी जोमान जोमान माने. अब आ गया नजर. एजी जोमन जोमन मनाए आए एनर्जी का ये तेनी साख छे एल्म माहिए 40 सिपारा कुरान ना ते माही 30 छे दुनिया माही छे. तो इस पर इन एवरी इमाम इज द सेम नूर ऑफ अली रदी अल्लाह अन्हु एंड द स्क्रिप्चर्स बेयर दैट आउट ऑफ 40 सिपारास पार्ट ऑफ द कुरान आर प्रूफ ऑफ दैट देयर आर वेरीली 30 इन द वर्ल्ड. There's only 30 सिपारा चाहिए. 10 कहाँ से आ गए एक्स्ट्रा, तुम लोग 10 कहाँ से भर के इधर लिखा है रेस्ट ऑफ द 10 सिपारा. और मैं कहते हैं कि हाँ वो जिस्ट हैं, असल वही हैं जो नहीं हैं. हाँ जी, they are really the gist of the religion, Mumins, and you should recognize the 10 सिपारा as the prime religion, and that was what Peer Sadhguru introduced to. इसमें सुल्तान मोहम्मद शाह साहब जो हैं उन्होंने कहा भी था एक दफा कि वो 10 सिपारे जो हैं वो मैं बताऊंगा कैसे हैं और मैं एक्सप्लेन करूंगा और ये और वो, तो हाँ. वो मौका भी ऑब्वियसली कभी भी नहीं आया. ये देखो और इसमें 8 नंबर भी लिखा है, अल्लाह हैज सेंट 4 किताब स्क्रिप्चर्स तौरात ज़बूर इंजील फुरकान एंड 4 हिंदू स्क्रिप्चर्स द वेद. ये कहां से आए?
The right exactly. guru is mentioned in those scriptures, or Imam Shah has studied those scriptures. The knowledge was sent by Allah and it is presently in the Quran. There no mention of Hindu. Hindus ki koi book ke bare mein mention nahi kiya hai. Allah ne khali bataya hai jo char kitab hai, Torah, Zabur, Injil aur Quran Sharif. Bas uske bare mein bataya hai. Char kitab hi aayi thi. Unke alawa kuch nahi hai. Kisi cheez ki guarantee nahi le sakte. Kisi cheez ki nahi le sakte. Haan. Khud ka kuch bhi. Maine aapke next aap पहले भी आपके आते थे ना वीडियो जो दूसरे एक्सेस मैलिस्ट से बात करते थे, तो उसमें मैंने उसमें सुना भी था कि आपका वो बोलते थे कि जितने भी जो पीर है ये सब कोई पाकिस्तान में है, जो उनकी उनको मजार उनकी पाकिस्तान में है और कोई किसकी इंडिया में है. दे नेवर यूज्ड टू प्रीच दीस काइंड ऑफ मैसेजेस बिकॉज दे नेवर यूज्ड टू डू गिनान्स एंड एवरीथिंग. हाँ नहीं नहीं, जो उनके मैसेजेस ही नहीं है ना. पीर शम्स और ये तो मुसलमान पीर थे, इनके अभी दरगाहें बनी हैं, उसके जो रखवाले हैं उनकी पूरी फैमिलीज जो हैं वो मुसलमान फैमिलीज हैं. yeah. और मतलब उनका कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर से. इनफैक्ट अगर आप अकबर अली मेहरली की किताब देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ इस्माइली आगा खानीस, तो उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो सुल्तान शाह ने जब नूर मुबीन लिखवाई थी तो उसमें उन्होंने जो एक जाली मैपिंग क्रिएट की थी कि ये जो पीर है ना, फॉर एग्जाम्पल पीर शम्स थे या पीर सतगुर नूर और ये वगैरह वगैरह, तो हर पीर को मैप किया था उन्होंने एक फातमी इमाम या खलीफा से. तो कहा था ये इस पीर को इस इमाम ने भेजा था, इस पीर को इस इमाम ने भेजा था. तो उसमें अगर आप उसको उसकी डेटिंग करेंगे आप देखेंगे यार ये इमाम कब थे एग्जिस्ट करते थे और ये पीर कब एग्जिस्ट करते थे, तो दैट वोंट ऐड अप. यानी कि वो जो इमाम की डेट्स हैं जो जिनमें वो इमाम जिंदा थे और जो पीर की डेट्स हैं जिस अरसे में पीर जो है वो हयात थे इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में, दैट हैज अ गैप ऑफ एटलीस्ट 100 ईयर्स. यानी 100 साल गुजर गए और मतलब जो इमाम ने पीर को भेजा था वो 100 साल के बाद वहां जाके पैदा हो रहे हैं. So are you alluding to a miracle or are you really trying to? मतलब ये लोग के कोई लोग मतलब वो लोग की कुछ ज्यादा ही कुछ लॉन्ग लाइफ हुई है उनकी. ये भी बहुत स्ट्रेच्ड क्लेम्स हैं. कितने वो जो अपना ये जो इस ये लोग का जो इमामत का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से. जी जी जी. तो वो करते करते वो कोई मौलाना इस्माइल के कौन थे, जो अलमुद का सिचुएशन हुआ था ना पूरा वो सिनेरियो जो पूरी स्टोरी है उसकी, अलमुद के किले पे गए थे एंड किसने कब्जा कर दिया था उसको, और वो कोई जो जिसने वो किले को जो फोर्ट को कैप्चर किया था वो इमाम का वेट कर रहा था आने का, वो कभी आए नहीं. तो वो जनरेशन वो कितना बड़ा 115 इयर्स का गैप हो गया था बीच में. हाँ, एग्जैक्टली 100 प्लस का गैप हो गया था. वो आइसोलेशन पीरियड था ना, वो दौरे सतर को उसको लेबल करते हैं क्योंकि वो सब कहते हैं उसमें छुप गए थे इमाम और ये हो गया था वो गया. अरे उस वक्त का कोई ना डेटा ना हिस्ट्री है ना कोई लेनी कुछ भी नहीं है, तो कोई प्रूफ नहीं इन लोग के पास. और फिर बाद में ये लोग क्लेम करते हैं कि वी आर फ्रॉम द लीनेज ऑफ रसूलुल्लाह एंड we have the noor of Hazrat Ali radhiyallahu anhu. there is no noor. ye log noor ka galat log noor ka matlab to light hota hai sir. ha ye log noor ka galat istemal karte hai, log bolte hai ki noor matlab aisa ho gaya ruh unki power uske andar hai. are bilkul sahi. allah subhanahu wa taala jitni bhi cheez banaya unse unko koi lena dena nahi hai, unko unki kisi zarurat hi nahi hai. कुरान में बताते हैं कि अल्लाह ने जो भी चीज बनाई वो उनकी उनको कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि अल्लाह अपने आप में इनफ है. या अल्लाह समझ बिल्कुल सही. हाँ सही. तो उनको क्या नूर भेजने की जरूरत है. सुभान अल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है. तो इन गिनानों के अलावा अमीज आपने ऐसी कोई चीज और क्या क्या देखा इस्माइल आजम में, अबाउट ये उनकी जो मजालिस हैं और प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें. ओके थोड़ी थोड़ी चीजें फिर बाद में, बहुत लॉन्ग हो रहा है, एक घंटा ऊपर हो गया. सो जस्ट मेक इट शॉर्ट. लाइक कि ये जो भी क्या था कि इस्माइल जो आगा खान है, और ये बीच में मैं सलीम लानी के वीडियोज देख रहा था. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से अवॉइड वॉचिंग हिज वीडियोज, आई डोंट नो, बट उसने वो खुद तो एक तो अभी इस्लाम में बिलीव ही नहीं करता है, बट द थिंग ही वाज पुटिंग अप दैट ही वांटेड टू एक्सपोज द सिस्टम द कल्ट ऑफ आगा खान, व्हाट दे डू, हाउ डिड दे ओरिजिनेटेड एंड एवरीथिंग. पर अच्छी रिसर्च की उन्होंने, बहुत अच्छी रिसर्च की, बहुत अच्छा अच्छा बताया है कि प्रूफ के साथ कि कैसे सुल्तान मोहम्मद शाह को बेटा कैसे वो इलेजिमेट सन है जो उनके अली सलमान खान,
इट इज प्रूवन. फर्स्ट शादी भी की है तो निकाह नहीं थी, मुता था. खुद लिखा है उसने अपनी, उनकी विल में है, उनकी विल में है ना वो, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था जो कि हराम है. तो तुम इमाम होके तुम ऐसे काम करते हो तो तुम जमात से क्या एक्सपेक्ट करते हो फिर? आपको इस्लाम के खिलाफ मिलेंगी के, वो कौन थे वो, हसन बिन सब्बा, जी जी, वो तो पूरा शरिया ही खत्म कर दिया उन्होंने, तो उड़ा दिया पूरा शरिया. हसन बिन सबा, और हसन बिन सबा की जो फिलॉसफी लेके जो इस्माइली इमाम जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, जिनको अल्लाह जिक्र सलाम कहते हैं, तो वो अल्लाह जिक्र सलाम इज हसन बिन सबा हिमसेल्फ. हसन बिन सबा, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ हसन बिन सबा, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ हसन बिन सबा. हसन बिन सबा जो है वो ही वाज नॉट दैट इमाम. तो ओके हो सकता है उसमें कोई और अकाउंट पढ़ा हुआ आपने जिसमें ऐसा लिखा हो, लेकिन as far as I know this is the case. ओके हाँ, लेकिन this remains a fact के जा रहे हो, उसने जो है वो शरिया के लॉ उठा दिए थे. शरिया के लॉ उठा दिए थे. कैसे, तुमको कौन राइट देता है शरिया? शरिया कौन चेंज कर सकता है? अल्लाह सुब्हान अल्लाह जब उनको वही भेजते हैं कोई प्रॉफिट को, तो ही हो सकता है ना वो. जब अल्लाह का कमांड, कोई भी चीज चेंजेस अल्लाह के कमांड के हिसाब से ही होती है. जब तक अल्लाह ने तुमको कोई कमांड नहीं दिए, कोई वही नाजिल नहीं हुई, कोई पैगंबर नहीं आए, तब तक कुछ नहीं कर सकते. जैसा है वो फॉलो करें. और रसूल ने क्लियरली बता दिया, अल्लाह ने, अल्लाह सुब्हान अल्लाह ने मिराज की रात पे रसूल को क्लियरली बोल दिया कि मैंने तुम्हारे लिए भी इस्लाम परफेक्ट कर दिया है. इट्स परफेक्ट नाउ, देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग, नो नीड टू मेक एनी अपडेट्स, नथिंग, इट्स परफेक्ट एज इट इज नाउ. एब्सोल्युटली. वेयर डू यू गेट द राइट्स टू मेक एनी चेंजेस इन द रिलीजन ऑफ? I think that was a beautiful presentation, Ameez bhai. बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम चीजें explain करने का. और मतलब मैं तो दिल चाह रहा है कि maybe we do another session and inshallah we'll do another session. What I feel is that, you know, whenever we're having any discussions or these sort of live streams, you're more than welcome to come in, because we need to prepare the next generation of speakers and presenters and who, like I said, the dawah carriers. And inshallah, you know, we want, definitely want you on board, inshallah, and become the voice of this project and any other project which you want to run. The purpose jo hai na, jo maqsad hona chahiye, wahi hona chahiye ki Ismailism ke bare mein logon ko bata, Ismailiyon ko batana aur Musalmanon ko batana ki bhai ye asal kya aisi cheez asal mein hai kya jisme se hum log nikal ke aaye, aur kitna zyada घिनौना किस्म का स्कैम और रैकेट है जिसमें से हम लोग निकले हैं. अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है. तो आई थिंक वी विल रैप इट अप हियर. बहुत बहुत शुक्रिया अगेन. अल्लाह ताला को अपनी हिफ्ज अमान में रखे, और आपको बहुत बहुत अजर दे आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन और जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की उसका. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.